दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारे पास आज सैमसंग का सैमसंग A12 मॉडल आया हुआ है। ये देखिए, इस पर LCD लाइट नहीं आ रही है, डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम है। आपको अगर दिखाई देगा तो डिस्प्ले में अंदर सारा ग्राफिक वगैरह ओके आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रही। हमने डिस्प्ले भी दूसरा डाल के देखा है, लेकिन फिर भी हमारा लाइट नहीं आ रही है। तो ये लाइट का प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होता है, ये आपको आज दिखाएंगे। पहले तो हमें मदरबोर्ड निकाल लेना है। यह हमने मदरबोर्ड निकाल लिया है पहले, और यहाँ पर देखिए, इसके जो ये फ्रंट साइड में है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक जाली लगी रहती है, उसको हमने उतार लिया है। और जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये पूरा इसका लाइट सेक्शन है। और ये देखिए, वाटर डैमेज होने की वजह से या फिर ये किसी वजह से शॉर्ट हो चुका है। ये यहाँ पर देखिए, ये पर पूरा काला पड़ चुका है और पूरा ख़राब हो चुका है। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको क्लीन कर लेना है। और ये जो कॉइल नज़र आ रही है आपको, इस कॉइल को हमें चेंज करना है। अगर कॉइल चेंज करके नहीं होगा तो ये डायोड जो लगा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है, ये ब्लैक वाला। तो पहले हम कॉइल चेंज करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं है। तो पहले तो हम क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को, ताकि ये सब जो धूल गंदगी लगी हुई वो निकल जाए। IP क्लीनर से हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है इसको, बोर्ड को। पहले तो ये देखिए, हमने क्लीन कर लिया है। अगर लिक्विड डैमेज होगा तो यहाँ से निकल जाएगा इसके ऊपर लिक्विड डैमेज इसका पूरा। लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ पर ये कॉइल के पास जो बना हुआ है जलने की वजह से, ये अभी भी यहाँ पर दिख रहा है। तो हम इस कॉइल को ही चेंज करेंगे पहले डायरेक्टली। पहले शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट है ये कॉइल या नहीं है। अगर शॉर्ट होगी तो हम इसको चेंज कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर रीडिंग हमें देखिए, शॉर्टिंग तो कोई नहीं दिखा रही है यहाँ पर, लेकिन ये कॉइल ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है, देखिए दोनों टर्मिनल पे, इस साइड में आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन दोनों जगह अलग-अलग रीडिंग आ रही है। ये देखिए, कॉइल ख़राब हो चुकी है, इसका मतलब। तो हम कॉइल को चेंज करेंगे सबसे पहले तो, और देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं है। तो कॉइल चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है। और ज़्यादा हीट आपको बहुत ही कम रखनी है, एयर कम रखनी है, ताकि पास में जो CPU इस पर हीट ना पड़े और सैम फ़ोन को कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ध्यान रखना है कॉइल निकालते वक्त, आपको एयर बहुत ही कम रखनी है। हमने मदरबोर्ड से कॉइल उतार लिए, एक बार कॉइल चेक कर लेंगे हम कि कॉइल हमारी ख़राब है या नहीं है। दोनों सिरों पे हमें टर्मिनल जॉइंट करना है। ये देखिए, कोई भी बज़र वगैरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कॉइल ख़राब हो चुकी है। तो हम कॉइल चेंज कर लेंगे और कॉइल चेंज करके देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो कॉइल आपको किसी भी मदरबोर्ड पे मिल जाएगी, आप किसी भी फ़ोन से निकाल सकते हैं। कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कॉइल में, कॉइल कोई सी भी हो, बस साइज़ सेम होनी चाहिए, बाकी कॉइल कोई भी चल जाएगी उसमें। ये देखिए, हमारे पास दूसरा एक सैमसंग का ही फ़ोन है, उसके ऊपर कॉइल लगी हुई है। तो हम ये कॉइल निकाल लेंगे और इसमें लगा देंगे वापस। पेस्ट लगा देना है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर भी कॉइल है बहुत सारी, इसमें से कोई भी कॉइल आप उठा सकते हो और वहाँ पर जॉइंट कर सकते हो। तो मैं ये वाली कॉइल निकालता हूँ इस बोर्ड से और जॉइंट करके देखते हैं। ये देखिए, हमने दूसरे मदरबोर्ड से निकाल ली है कॉइल। कॉइल जब भी चेक करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कॉइल हमेशा ग्राउंड रहती है, यानी कि दोनों साइड से शॉर्ट रहेगी। ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर जॉइंट किया, ये देखिए इस पर बज़र दे रहा है। बज़र देना ज़रूरी है, अगर बज़र देगा दोनों साइड में तो कॉइल आपकी सही है। तो ये कॉइल अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है इसमें। पहले तो मुझे कॉइल का ही प्रॉब्लम लग रहा है, अगर कॉइल बदलने से भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर ये ब्लैक कलर का उसके ऊपर जो डायोड लगा हुआ है वो हम चेंज करेंगे। ये देखिए, हमने कॉइल चेंज कर लिए और मदरबोर्ड को क्लीन भी कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका है और बोर्ड पूरा ठंडा हो चुका है यहाँ पर। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। मदरबोर्ड को अपने जगह पर रख देंगे और चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। इसका ऑन ऑफ स्विच इसके पैनल में रहता है, तो वो थोड़ा ध्यान से लगाइए, वरना स्ट्रिप कट हो जाएगी। स्ट्रिप
फिंगरप्रिंट और ये ऑन ऑफ स्विच इसका दोनों एक ही में होता है, तो थोड़ा ध्यान से स्टेप लगाइए। अब हम फ़ोन को स्टार्ट करके देखते हैं हमारा फ़ोन स्टार्ट होता है या नहीं होता है। ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और इसमें लाइट भी आ चुकी है, लेकिन कॉइल बदलने के समय फ़ोन डेड हो चुका था। वो क्यों डेड हो गया था मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वीडियो में। ये देखिए जैसे ही हमने कॉइल चेंज की वैसे हमारा फ़ोन पूरा डेड हो चुका था। मदरबोर्ड आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम और था उसको। आईसी जैसे हमने कॉइल चेंज की यहाँ पर, ये देखिए लाइट सेक्शन आप देख लीजिएगा, ये कॉइल चेंज करने के बाद हमारा फ़ोन डेड हो चुका था। इसका प्रॉब्लम था यहाँ से, यहाँ पे जो ये रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी शॉर्ट था, जिसके वजह से जैसे ही हम कॉइल लगाते थे हमारा फ़ोन डेड हो जाता था, और जैसे ही कॉइल निकालते थे हमारा फ़ोन ऑन हो जाता था। तो ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया रजिस्टेंस, और अभी हमारा फ़ोन टोटल ओके चल रहा है, पूरा ऑन हो चुका है, लाइट भी एकदम परफेक्ट आ चुकी है।